सो नाउ बात करते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आफ्टर जनरल फार्माकोलॉजी. द फर्स्ट सिस्टम विच वी स्टडी फॉर ड्रग्स इज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ANS. ANS क्या है? ANS जो है वो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है, सॉरी CNS नो, सिर्फ नर्वस सिस्टम जो है उसका पार्ट है, ठीक है, जो बेसिकली क्या करता है, आपके इन्वॉलेंट्री फंक्शंस जो है, इन्वॉलेंट्री मूवमेंट्स आपकी बॉडी के, उसको कंट्रोल करता है. सो इसके अंदर क्या होता है, इफरेंट फाइबर्स होते हैं. इफरेंट फाइबर्स मतलब जो कि CNS से, मतलब जो नर्वस सिस्टम से, वहाँ से आपकी बॉडी ऑफ ऑर्गन के पास जाते हैं, ठीक है. ANS जो है वो बेसिकली दो टाइप के होते हैं आपके. कौन कौन से दो टाइप के होते हैं? सिंपैथेटिक और पैरासिंपैथेटिक, ठीक है, पैरासिंपैथेटिक. इनके बीच में बहुत सारे डिस्कशन है. लगभग जो सिंपैथेटिक काम सीधे करता है वो पैरासिंपैथेटिक काम उल्टे करता है, और जो पैरासिंपैथेटिक उल्टे करता है वो पैरासिंपैथेटिक सीधे करता है, ठीक है. तो ये क्या है, आपस में अपोजिट है, ठीक है, आपस में कैसे हैं, अपोजिट है. तो अपन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पैरासिंपैथेटिक से, ठीक है. सबसे पहले स्टार्ट करेंगे पैरासिंपैथेटिक. लेकिन अपन पैरासिंपैथेटिक स्टार्ट करें उससे पहले समझ लेते हैं कि सिंपैथेटिक और पैरासिंपैथेटिक में बेसिकली डिफरेंस क्या क्या है. मेजरली जो डिफरेंस है, जो कि एक एज ए फार्माकोलॉजिकल स्टूडेंट को आने चाहिए, वेस उस टाइप की बेसिस पर अपन डिफरेंस देख लेते हैं. देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं, इधर अपन बात कर किसकी कर रहे हैं, ANS की. और ANS में इंक्लूडेड होते हैं आपकी दो चीज़ें, एक होता है आपका ब्रेन और दूसरा होती है आपकी स्पाइनल कोड. मैं दोनों बना देता हूँ. ये मान लो आपका ब्रेन है, ठीक है, ये क्या है आपका ब्रेन है, और दूसरी है ये आपकी स्पाइनल कोड है लंबी सी, ठीक है, ये आपकी स्पाइनल कोड हो गई, ठीक है. अब इसमें से इम्पोर्टेंट है एक जो आपका रीजन है. अब इस रीजन को मैं बोलता हूँ क्रेनियल रीजन, ठीक है. इस रीजन को क्या है, क्रेनियल रीजन. ये जो रीजन है ये कौन सा रीजन हो गया आपके, थोरेसिक लंबार रीजन, और ये नीचे कौन सा है, सैक्रल रीजन, ठीक है. तो ये क्या हो गया आपका, स्पाइनल कोड के टोटल पार्ट्स हो चुके हैं. अब कौन कौन से सिंपैथेटिक और कौन कौन से पैरासिंपैथेटिक है, तो ईजिली याद रखो जो लास्ट के हैं, ये लास्ट का है, ये लास्ट का है, ठीक है, और एक ये लास्ट का है, ठीक है, ये दोनों लास्ट के, ये दोनों हैं आपके पैरासिंपैथेटिक, ठीक है. ये जो गैंग्लिया हैं ये कौन से आपके, पैरासिंपैथेटिक गैंग्लियंस या फिर पैरासिंपैथेटिक सिस्टम होते हैं, ठीक है. और दूसरे दो, ये जो थोरेसिक लंबर है वो कहाँ के आपके, ये जो थोरेसिक और लंबर है ये आपके सिंपैथेटिक है, ठीक है. उसके बाद अब इनके गैंग्लियंस देख लो, ये आ गया आपका पैरासिंपैथेटिक का गैंग्लियो, ठीक है, ये आ गया आपका पैरासिंपैथेटिक सैक्रल रीजन का गैंग्लियन, ठीक है. तो ये क्या हो गया आपका गैंग्लियन कंप्लीट. नेक्स्ट बात करते हैं सिंपैथेटिक की. ये आपका सिंपैथेटिक सिस्टम का गैंग्लिया आ गया या न्यूरॉन आ गया, ये, ठीक है. अब अपन ने एक चीज पढ़ी थी, कहाँ पढ़ी थी, नीट में पढ़ी थी. क्या चीज पढ़ी थी, वी हैव गैंग्लियंस, वी हैव प्री गैंग्लियंस एंड वी हैव पोस्ट गैंग्लियंस. तो अपने पास दो टर्म है, एक होती है प्री गैंग्लियंस और दूसरी होती है आपकी पोस्ट गैंग्लियंस. कौन सी होती है, पोस्ट गैंग्लियंस. अब कौन सी प्री गैंग्लियंस है, ये वाली जो होती है वो आपकी प्री गैंग्लियंस होती है, और ये वाली जो होती है वो आपकी पोस्ट गैंग्लियंस होती है, ठीक है, सिंपल. अब देखो, अब आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, ये जो पैरासिंपैथेटिक है ये PS है, ये PS है, ये S है और ये S है. अब ये देखो पैरासिंपैथेटिक का जो ये प्री गैंग्लियन है वो बहुत लंबा है, ठीक है. पैरासिंपैथेटिक का प्री गैंग्लियन बहुत लंबा है, और जो आपका ये सिंपैथेटिक है उसका प्री गैंग्लियन, सॉरी पैरासिंपैथेटिक का जो प्री गैंग्लियन है वो बहुत छोटा है. इज दैट ये जो गैंग्लियन है वो पैरासिंपैथेटिक जो न्यूरोन है वहाँ से बहुत दूर है, ठीक है. ये इसका न्यूरोन इधर है और गैंग्लियन इधर है, न्यूरोन इधर है, ये बहुत डिस्टेंस पर है, लेकिन इसका तो न्यूरोन इधर है और ये गैंग्लियन इधर है, तो ये पास है. तो एक चीज़ याद रखो हमेशा, एक छोटी सिंपल चीज़ है कि पैरासिंपैथेटिक की स्पेलिंग बड़ी है, पैरासिंपैथेटिक की स्पेलिंग बड़ी है, तो इसका जो न्यूरॉन है वो भी दूर है, तो इसका प्री गैंग्लियन स्ट्रक्चर भी लॉन्ग है, ठीक है. तो बेसिकली जो आपका प्री गैंग्लियन स्ट्रक्चर है पैरासिंपैथेटिक का वो लॉन्ग है एज कंपेरिजन टू सिंपैथेटिक सिस्टम, ठीक है.
उसके बाद अपन देखते हैं एक स्ट्रक्चर है अब अपने पास, ये आपका न्यूरोन आ गया, ये आपका न्यूरोन आ गया, न्यूरोन की बॉडी है और ये आपकी ऑर्गन की बॉडी है, ठीक है। अपन ने रिसेप्टर्स भी पढ़े थे, इसको बोलते हैं अपन प्री सिनेप्टिक, इसको बोलते हैं अपन पोस्ट सिनेप्टिक, ठीक है। ये जो जगह है ये क्या है, साइनेप्स, ठीक है। ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए अपन पढ़ रहे हैं कि ये चीज़ें होती क्या हैं, ठीक है। यहाँ पर रहती है एक वेसाइकल बॉडी, ठीक है। ये क्या होती है आपकी, वेसाइकल बॉडी होती है, ठीक है, वेसाइकल बॉडी होती है। इसके अंदर क्या स्टोर होता है, इसके अंदर आपका न्यूरोट्रांसमीटर स्टोर होता है। न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो अलग अलग होता है फॉर अलग अलग सिंपैथेटिक सिस्टम्स या पैरासिंपैथेटिक सिस्टम्स के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये वेसाइकल होता है, ठीक है। और ये क्या होता है, सिनेप्स होता है। और ये चीज़ क्या है आपकी, यहाँ पर ये जो ऑर्गन है यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं आपके रिसेप्टर्स, ठीक है। ये अपन ने पढ़े थे रिसेप्टर्स दो टाइप के हैं, इधर एक रिसेप्टर्स तो जो आपके इधर हैं इसको बोलते हैं पोस्ट सिनेप्टिक रिसेप्टर्स, और इधर अगर प्रेजेंट है तो इसको बोलेंगे आपके प्री साइनेप्टिक रिसेप्टर्स, ठीक है। सिंपल कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्या है, अपन ने देखा था, अब अपन को रिसेप्टर्स देखना है, ठीक है, कि कौन कौन से कैसे रिसेप्टर्स होते हैं, क्या है क्या नहीं। सबसे पहले अपन बात करते हैं पैरासिम्पेथेटिक सिस्टम की। पैरासिम्पेथेटिक सिस्टम के अंदर जो आपका न्यूरोट्रांसमीटर है, ये न्यूरोट्रांसमीटर याद रखिए होगा क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है आपके ड्रग्स देने के लिए। कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर है, एसिटाइल कोलाइन, इसको शॉर्ट फॉर्म में आप ACH लिख सकते हो, ठीक है। ये एसिटाइल कोलाइन अपने आगे जाके बहुत मजा खाने वाला है, तो इसको याद रखना, ठीक है। और जो प्री गैंग्लियोनिक रिसेप्टर है जो इसको रिलीज करता है, ठीक है, वो हो गया आपका NN, ठीक है। नाम से बता पड़ रहा है, न्यूरोन बॉडी पर ये जो रिसेप्टर है वो ये रहा, ठीक है। वेयर एस जो आपका सिंपैथेटिक सिस्टम है, ठीक है, सिंपैथेटिक सिस्टम लिख दूं मैं इधर, एक ये पैरासिंपैथेटिक था। अगर सिंपैथेटिक सिस्टम है तो यहाँ पर जो रिलीज होगा वो क्या होगा, एन ए मतलब ना नोर एड्रिनलिन, क्या सिगरेट होगा, नोर एड्रिनलिन, ठीक है। तो दो टाइप के हो गए, एक तो हो गया आपका ACH एसिटाइल कोलाइन और एक हो गया नोर एड्रिनलिन, ठीक है, एसिटाइल कोलाइन और एक हो गया नोर एड्रिनलिन, ठीक है। अब देखो सिंपैथेटिक सिस्टम क्या रिलीज कर रहा है, एड्रिनलिन रिलीज कर रहा है। पैरासिंपैथेटिक क्या रिलीज कर रहा है, कोलाइन रिलीज कर रहा है। सो दैट आपका जो पैरासिंपैथेटिक सिस्टम के अंदर जो ड्रग्स होती है, या फिर पैरासिंपैथेटिक सिस्टम को अपन क्या बोलते हैं, कोलिनर्जिक सिस्टम, इसके अंदर जो ड्रग्स यूज होती है इसको क्या बोलते हैं, कोलिनर्जिक ड्रग्स, ठीक है। वेयर एस ये कौन सा सिस्टम है, एड्रिनल, तो इसको क्या बोलते हैं अपन, एड्रिनलिक सिस्टम, कौन सा हो गया, ये नॉर एड्रिनलिन सीक्रेट कर रहा है, तो ठीक है, एड्रिनर्जिक सिस्टम। तो आप बेसिकली इस टाइप से भी याद रख सकते हो, तो जो कोलिनर्जिक ड्रग है वो बेसिकली क्या है, पैरासिंपैथेटिक ड्रग, और जो आपका एड्रिनर्जिक सिस्टम या एड्रिनर्जिक ड्रग्स हैं, ठीक है, वो क्या है आपका, सिंपैथेटिक ड्रग्स हैं, ठीक है, क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है। अब बात करते हैं ये जो सिंपैथेटिक सिस्टम है, ये अकेला बोर हो गया कि मैं इतना सही नहीं हूँ, तो इसने दे दिए कुछ एक्सेप्शन, क्या दे दिए, कुछ एक्सेप्शन। क्या एक्सेप्शन है, देखो सबसे पहला एक्सेप्शन क्या है, पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर्स ये एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन हमेशा मेडिकल में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक्सेप्शन पे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। सिंपैथेटिक फाइबर्स इन स्वेट ग्लैंड, किसमें, आपकी स्वेट ग्लैंड, पसीना हो रहा बहुत, ठीक है। तो इधर जो सिंपैथेटिक सिस्टम वर्क कर रहा है, इधर कौन सा सिस्टम वर्क कर रहा है, सिंपैथेटिक सिस्टम। तो यहाँ पर आपका सीक्रेट होता है ACH एसिटाइल कोलाइन,
क्या सीक्रेट हो रहा है? एसिटाइल कोलाइन सीक्रेट हो रहा है। लेकिन ये सिस्टम कौन सा है? सिस्टमिक सिंपैथेटिक सिस्टम है। यहाँ सीक्रेट क्या होना चाहिए था? नॉन रेटिनल सीक्रेट होना चाहिए, लेकिन सीक्रेट क्या हो रहा है? SCH। तो अपन क्यों ना इसको इसमें डाल दें, पैरासिम्पैथिक सिस्टम में डाल दें? नहीं, क्यों? क्योंकि जो स्वेट ग्लैंड है वो आपकी यहाँ पर होती है, थोड़े को लंबार रीजन से ओरिजिनेटेड है। तो ये बेसिकली है तो सिंपैथेटिक सिस्टम, लेकिन सीक्रेट आपका ACH कर रही है, ठीक है? सो इट्स पॉइंट टू रिमेंबर, ठीक है? अब अपन बात करते हैं कुछ एक्शंस की। पिक्चर का ट्रेलर देख लिया, अब एक्शन की बारी है। सो एक्शंस की बात करते हैं अपन। कुछ एक्शंस हैं जो अपन को याद करना है। किसके एक्शंस हैं ये? ये आपके सिंपैथेटिक सिस्टम और पैरासिंपैथेटिक सिस्टम के एक्शंस हैं, ठीक है? सिंपैथेटिक सिस्टम्स और पैरासिंपैथेटिक सिस्टम के। अब सबसे इम्पोर्टेंट है आपका, आपके बॉडी में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? दिल आपका। तो हार्ट को मैं अलग लिख देता हूँ, ठीक है? सबसे मैंने हार्ट को अलग लिखा है। हार्ट सब अलग है, बाकी सब दुनिया एक तरफ, हार्ट एक तरफ, ठीक है? अब मैं बात करूँगा सिंपैथेटिक सिस्टम और पैरासिंपैथेटिक सिस्टम्स की, ठीक है? हार्ट दुनियादारी से अलग है, ठीक है? तो दुनियादारी से अलग है, तो हार्ट जो क्या कर रहा है, पैरासिंपैथेटिक सिस्टम में 2- और सिंपैथेटिक में 3+। तो ऐसे याद रखो, 3+, पैरासिंपैथेटिक में 2-। अभी क्या है ये चीज़ अपन को याद करनी है। 3+ क्या है? प्लस मतलब होता है, एक चीज़ समझ लो अपन ने, मैंने चीज़ बताई, प्लस जो होता है इसको बोलते हैं स्टिमुलेट। कोई भी चीज़ को स्टिमुलेट कर रही है तो उसको अपन सिंपली लिख देंगे प्लस। पूरे स्टिमुलेट इसको कौन लिखता है? अपन आलसी हैं, वैसे डॉक्टर तो वैसे ही स्पेलिंग पूरी नहीं लिखता इसको प्रिस्क्रिप्शन में, तो इतनी बड़ी राइटिंग तो क्यों लिखेगा, इतनी बड़ी स्पेलिंग क्यों लिखेगा, ठीक है? ये तो प्लस कर लो, या फिर इसको इस टाइप का इंक्रीज का एरो बता दो, वो हो गया आपका स्टिमुलेट करना। इसका मतलब हो गया आपका इंक्रीज करना, ठीक है? ये जो है ये क्या है? डिक्रीज करना, इसको बोलते हैं इनहिबिट करना, इनहिबिट करना, ठीक है? इनहिबिट करना। एक और चीज़ है इसके अंदर आपको याद करनी है, एक ये होता है, इसको बोलते हैं ब्लॉक, ठीक है? ब्लॉकर्स, जैसे कि बीटा ब्लॉकर्स हो गया। बीटा ब्लॉकर्स बेसिकली क्या है, वो भी अपन इसी में आगे पढ़ेंगे, ठीक है? ब्लॉकर्स जो होता है, जो कि पर्टिकुलर चीज़ को ब्लॉक कर देता है, उसको ब्लॉकर्स लिखते हैं, ठीक है? तो ये तीन चीज़ें याद रखो, स्टिमुलेट करना, इनहिबिट करना और ब्लॉक करना, ठीक है? तो यहाँ पर अपन ने दो चीज़ देखी है। एक तो अपन ने देखी है स्टिमुलेट, देखी है तो क्या चीज़ें स्टिमुलेट कर रहा है सिंपैथेटिक सिस्टम? एक तो आपकी रेट, हार्ट रेट। हार्ट रेट को क्या कर रहा है? स्टिमुलेट कर रहा है, ये पॉजिटिव है। इसको बोलते हैं कोनोट्रोपिक। क्या बोलते हैं? कोनोट्रोपिक, कोनोट्रोपिक। दूसरा कंडक्शन। कंडक्शन क्या होता है? एवी से, सॉरी, जो नोड है आपके, ऐसे नोड और एवी नोड की जो कंडक्शन सिस्टम है, उसको भी ये क्या करता है? इंक्रीज करता है, स्टिमुलेट करता है। इसको बोलते हैं आपके ड्रोमोट्रोपिक, ड्रोमोट्रोपिक, ठीक है? और तीसरी है आपकी कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, कि ब्लड आपका जो हार्ट है वो कितना कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, इसको भी ये क्या करता है? स्टिमुलेट करता है, ठीक है? और इसको बोलते हैं आयनोट्रोपिक, आयनोट्रोपिक, ठीक है? तो तीन चीज़ें आपको याद रखनी है सिंपैथेटिक सिस्टम में, कि ये 3 स्टिमुलेट करता है और पैरासिंपैथेटिक सिस्टम 2 इनहिबिट करता है। इसी को, जैसे कि रेट है, तो रेट को ये नेगेटिव मतलब कंडक्शन को ये रेट को कम कर देता है पैरासिंपैथेटिक सिस्टम। और कंडक्शन देखो, दो चीज़ें अपन ने, तो कंडक्शन को भी ये कम कर देता है, ठीक है? तो नेगेटिव ड्रोमोट्रोपिक, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी को कोई असर नहीं करता। इसलिए अपन क्या याद करते हैं, 3+ इधर हैं और 2- इधर है, ठीक है? तो ये चीज़ याद रखनी थी आपको सिंपैथेटिक और पैरासिंपैथेटिक सिस्टम में, सिर्फ पर्टिकुलरली हार्ट के लिए, क्योंकि बाकियों में काम इसका उल्टा है। हमेशा याद रखना, सिंपैथेटिक से पैरासिंपैथेटिक जो है, ये दोनों आपस में अपोजिट रोल प्ले करते हैं, आपस में ये अपोजिट रोल प्ले करते हैं। अगर सिंपैथेटिक कुछ बढ़ा रहा है तो पैरासिंपैथेटिक उसको कम कर देगा, अगर सिंपैथेटिक कुछ कम कर रहा है तो पैरासिंपैथेटिक उसको बढ़ा देगा। ये आपस में दोनों झगड़ालू भाई है, ठीक है? दोनों झगड़ालू भाई हैं। तो अपन ने हार्ट को अलग क्यों लिखा है? सबसे अलग हार्ट को क्यों लिखा? क्योंकि बाकी जो सिस्टम है, बाकी देखो इधर क्या हो रहा है, हार्ट स्टिमुलेट हो रहा है। एक नोट लिख दो आप इधर साइड में, नोट लिख दो मेरे साथ, लिखो ओनली हार्ट, ओनली हार्ट स्टिमुलेट, ओनली हार्ट स्टिमुलेट्स बाय सिंपैथेटिक सिस्टम, अदर इनहिबिश, अदर इनहिबिट। मतलब
सिंपैथेटिक सिस्टम सिर्फ हर्ट को स्टिमुलेट करता है, बाकी सब को ये नेगेटिव। और ये क्या करता है उसी के बदले में? पॉजिटिव। कौन कौन से सिस्टम हो गए देखो। सेकंड बात करते हैं अपन ब्रोंकस की। ब्रोंकस में क्या हो रहा है? ब्रोंकस में क्या होगा? सिंपैथेटिक सिस्टम में ब्रोंकोडाइलेशन हो रहा है, मतलब जो मसल वर्क कर रही है उसको इनहिबिट कर रहा है ये, ठीक है? कंस्ट्रिक्शन नहीं होने दे रहा है, तो कंस्ट्रिक्शन नहीं होगा तो क्या होगा? डायलेशन हो जाएगा। और वहीं पर पैरासिंपैथेटिक में क्या हो रहा है? ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन। ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन मतलब अगर ये मसल है, मसल को अगर ये स्टिमुलेट करेगा, उसके ऊपर काम करेगा, तो क्या करेगा? स्ट्रेस अंदर की तरफ दबेगी, तो क्या होगा? ये कॉन्स्ट्रिक्ट होगी, ल्यूमेन कॉन्स्ट्रिक्ट होगी, तो इसलिए ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन ये इंपॉर्टेंट है। ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन भी इंपॉर्टेंट है, ब्रोंको डायलेशन भी इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो कि ल्यूमेन छोटी हो गई तो अपन क्या यूज़ करेंगे? ब्रोंको डायलेटर्स यूज़ करेंगे। और अगर ल्यूमेन ज़्यादा डायलेट हो गई तो अपन ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन यूज़ करेंगे, ठीक है? नेक्स्ट तीसरी कौन सी चीज़ है जिसको ये नेगेटिव देता है? तीसरी आपकी है जी आई टी। अब जी आई टी में वर्क समझ लो, आपको खबर पड़ जाएगी कर क्या रहा है। इसमें हो रहा है आपका कॉन्स्टिपेशन, ठीक है? और इसके अंदर हो रहा है आपका डायरिया। अब इसको समझते हैं क्या है ये। देखो, ये जो है सिंपैथेटिक सिस्टम वो कंस्ट्रिक्ट कर रहा है, मतलब कंस्ट्रिक्शन क्यों कर रहा है? ये पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट जो है उसको इनहिबिट कर रहा है। उसको क्या कर रहा है? इनहिबिट कर रहा है। अगर पेरिस्टाल्सिस इनहिबिट होगा तो क्या होगा कि खाना जो है, मोशन है, ठीक है, पेट का जो मोशन है वो कैसा हो जाएगा? कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, मतलब आपकी जो डाइजेशन जो है वो आगे जो बोलस है आगे नहीं निकलेगा, ठीक है? और डायरिया क्या होगा? ये जो पेरिस्टाल्सिस है उसको स्टिमुलेट करेगा। पेरिस्टाल्सिस स्टिमुलेट करना मतलब जितना हो रहा था उससे ज़्यादा हो रहा है, ठीक है? तो इसको डायरिया हो गया, ठीक है? दोनों ही किसी किसी केस में इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो डायरिया तो हमको कॉन्स्टिपेशन की नीड है, और अगर मान लो कॉन्स्टिपेशन है तो हमको डायरिया की नीड है। सो पैरासिंपैथेटिक और सिंपैथेटिक बोथ आर इंपॉर्टेंट। चौथी बात करते हैं अपन ब्लैडर। ब्लैडर में डिक्रीज लिख दिया है, क्या डिक्रीज हो रहा है? डिक्रीज यूरिन आउटफ्लो। और वहीं पे ये उल्टा होगा तो इंक्रीज यूरिन आउटफ्लो। अब यूरिन से पैरासिंपैथेटिक और सिंपैथेटिक का क्या मतलब है? यूरिन, पैरासिंपैथेटिक, सिंपैथेटिक ये मिलेंगे आपको ब्लैडर में, ठीक है? ब्लैडर में अगर मान लो ये डायलेट हो गया, मतलब इसके ऊपर कोई वर्क नहीं कर रहा है, इसकी कॉन्स्ट्रिक्टर जो ब्लैडर के ऊपर कौन सी मसल्स होती है? कॉन्स्ट्रिक्टर मसल्स होती है जो ब्लैडर को कॉन्स्ट्रिक्ट करती है, ठीक है? कॉन्स्ट्रिक्शन, ब्लैडर को कॉन्स्ट्रिक्शन देती है। अगर वो कॉन्स्ट्रिक्शन काम नहीं करे, उसके ऊपर कोई इनहिबिशन कर दे, मतलब सिंपैथेटिक सिस्टम क्या कर रहा है? इनहिबिट कर रहा है। वो इनहिबिट कर दे तो क्या होगा? यूरिन का आउटफ्लो जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ब्लैडर जो है वो इतने की जगह वो इतना हो जाएगा, तो इसमें स्टोरेज ज़्यादा बढ़ जाएगी और यूरिन आउटफ्लो कम हो जाएगा। लेकिन उसी की जगह अगर कोई इसको इनहिबिट स्टिमुलेट कर दे, ब्लैडर की जो इतनी संख्या है उसकी जगह इतनी हो जाए, तो ब्लैडर का जो यूरिन आउटफ्लो है वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है? तो ये काम किसका? पैरासिंपैथेटिक का है, ठीक है? नेक्स्ट है फिफ्थ आपका ग्लैंड्स में डिक्रीज क्या हो रहा है? सिंपल डिक्रीज क्या होगा? सिक्रेशन। पर अपन ने एक एक्सेप्शन पढ़ा था, कौन सा एक्सेप्शन पढ़ा है? स्वेट ग्लैंड का। स्वेट ग्लैंड क्या है? सिंपैथेटिक है, लेकिन वर्क कैसा कर रही है? पैरासिंपैथेटिक जैसा। तो स्वेट ग्लैंड को आपको इधर भी एक्सेप्शन में लिखना है कि स्वेट ग्लैंड है तो सिंपैथेटिक, पर एक्शन कौन सा कर रही है? ये पैरासिंपैथेटिक वाला, ठीक है? और वहीं पर यहाँ पर इधर इंक्रीज सिक्रेशन, ठीक है? सेम लॉजिक यहाँ पर भी है। सिक्स्थ है आपका लास्ट वन, सिक्स्थ है आई। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है, इधर से आते हैं बहुत सारे क्वेश्चन। आई इज इम्पोर्टेंट। आई में दो चीज़ें, अगर आपका सिंपैथेटिक सिस्टम है तो ये हो जाएगा माइट्रियासिस, और अगर आपका सिस्टम
पैरासिम्पेथेटिक है तो ये हो जाएगा मियोसिस। अब समझते हैं दोनों चीज़ें हैं क्या, ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, ठीक है। माइड्रियासिस और मियोसिस, सबसे पहले दोनों मतलब क्या है। माइड्रियासिस मतलब होता है आपकी डायलेशन ऑफ प्यूपिल, डायलेशन ऑफ प्यूपिल मतलब डायलेशन ऑफ प्यूपिल, जो आपकी आयरिस मसल है वो प्यूपिल को रिलैक्स छोड़ दिया जिससे कि प्यूपिल डायलेट हो गया। और मायोसिस मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द प्यूपिल, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द प्यूपिल, ठीक है। अब समझते हैं क्या है दोनों। देखो ये आपका कॉर्निया है, ठीक है, इसके अंदर ये आपकी आयरिस मसल हो गई, ठीक है। इधर एक जगह होती है जिसको बोलते हैं प्यूपिल, ठीक है, और उसके पीछे होती है लेंस, ठीक है। अगर ये एक नॉर्मल पोजीशन है, ठीक है, नॉर्मल पोजीशन है। अगर ये प्यूपिल जो है वो इतने की जगह, ये इतना मतलब ये क्या है, मियोसिस है। प्यूपिल जो है वो कॉन्ट्रैक्टेड है, और अगर मान लो ये इतना हो जाए इसकी जगह तो ये क्या हो गया, माइड्रियासिस, ठीक है। अब इससे क्या होगा, इससे अपन को जो एरिया ऑफ लेंस है, देखो यहाँ पर आपको एरिया ऑफ लेंस कितना दिख रहा है, इतना, और यहाँ पर आपको लेंस कितना दिखेगा, पूरा लेंस दिख जाएगा आपको इधर से। तो अपन इससे, ये अब इम्पोर्टेंट है जब अपन चश्मा बनाते हैं, जब अपन को नंबर चेक करना है, जब अपन को ये देखना है कि रेटिना में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, तो ये अपन आगे जाके पढ़ेंगे। अपन को बस इतना याद रखना है माइड्रियासिस कब होता है और माइड्रियासिस क्या होता है, ठीक है। तो माइड्रियासिस कब होता है, एम वाई सिंपेथेटिक, ये याद रखो, एम वाई एस वाई, ठीक है। और माइड्रियासिस स्पेलिंग बड़ी है, माइड्रियासिस देखो कितनी बड़ी स्पेलिंग है, माइड्रियासिस बड़ी स्पेलिंग है, तो यह प्यूपिल को बड़ा कर देती है, सिंपल याद रखा। माइड्रियासिस क्या है, बड़ी स्पेलिंग है, तो ये प्यूपिल को बड़ा कर देती है, ठीक है। तो क्या होगा, प्यूपिल बड़ा होगा तो क्या होगा, डायलेट हो जाएगा, ठीक है। और मियोसिस स्पेलिंग छोटी है तो ये प्यूपिल को छोटा कर देती है जिससे क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। और मियोसिस कौन करता है, पैरासिम्पेथेटिक सिस्टम, ठीक है। और माइड्रियासिस कौन करता है, सिंपेथेटिक। कैसे याद रखोगे, सिंपेथेटिक में एस वाई आता है, ठीक है, पैरासिम्पेथेटिक में तो पी एस वाई आता है, ठीक है, सिंपेथेटिक में एस वाई आता है और मिड्रियासिस में भी एम वाई आता है, ठीक है, और पी एस वाई में आपका मियोसिस, ठीक है। मिड्रियासिस क्या करता है, डायलेशन करता है, और मियोसिस क्या करता है आपका, कॉन्ट्रैक्शन करता है, ठीक है। इन दोनों का मतलब क्या है, डायलेशन में क्या होगा, प्यूपिल का साइज बड़ा हो जाएगा क्योंकि स्पेलिंग माइड्रियासिस की बड़ी है, और मियोसिस में प्यूपिल का साइज छोटा हो जाएगा क्योंकि मायोसिस की प्यूपिल, मायोसिस की स्पेलिंग छोटी है, ठीक है। सिंपल नॉर्मल लॉजिक है। एक सातवीं चीज़ और है आई के बाद में, वो भी अपन को पढ़नी है, सेवंथ, सेक्स। अब देखो एक नॉर्मल ज्ञान, हार्ट में दोनों स्टिमुलेट कर रहे हैं क्योंकि अपन को सिंपेथेटिक एक्शन भी जरूरी है, पैरासिंपेथेटिक एक्शन भी जरूरी है, ब्रोंकस में डायलेशन भी जरूरी है, कॉन्स्ट्रक्शन भी जरूरी है, जीआईटी में कॉन्स्टिपेशन भी जरूरी है, डायरिया भी जरूरी है, ब्लैडर में यूरिन आउटफ्लो भी जरूरी है, डिक्रीज भी जरूरी है, इंक्रीज भी जरूरी है, ठीक है। ग्लैंड्स में सिक्रेशन ज़्यादा भी और कम दोनों जरूरी है, आई में भी माइड्रियासिस जरूरी है, मियोसिस जरूरी है, पर सेक्स में कैसे डिफाइन करोगे कि आपको क्या जरूरी है क्या नहीं है। तो इस केस में, सिर्फ इस केस में, इस इंपॉर्टेंट केस में देखो, सेक्स क्या दो जनों को मिला के होता है, ठीक है, सेक्स के लिए दो जनों जरूरी है, तो यहाँ पर आपका सिंपेथेटिक और पैरासिंपेथेटिक मिक्स हो जाता है। ये दोनों एक ही काम करते हैं, ये दोनों एक ही काम करते हैं। जो सिंपेथेटिक एक्शन है वो है इजेक्यूलेशन, इजेक्यूलेशन, और जो पैरासिंपेथेटिक काम है वो है इरेक्शन, ठीक है। यहाँ पर ये दोनों सेम काम कर रहे हैं सेक्स में, ठीक है, सेक्स में दोनों सेम काम कर रहे हैं। तो ये सिर्फ एक ही एग्जांपल है जिसमें पैरासिंपेथेटिक और सिंपेथेटिक अपोजिट एक्शन नहीं कर रहे हैं, इसमें दोनों सेम टू सेम एक्शन कर रहे हैं, तो वो है सेक्स, ठीक है। बाकी हर्ड जो है वो सिंपेथेटिक में स्टिमुलेट हो रहा है और पैरासिंपेथेटिक में इनहिबिट हो रहा है, बाकी सब जगह क्या हो रहा है, सिंपेथेटिक एक्शन स्टिमुलेट हो रहा है और सिंपेथेटिक सिस्टम स्टिमुलेट हो रहा है और पैरासिंपेथेटिक इनहिबिट स्टिमुलेट कर रहा है और सिंपेथेटिक इनहिबिट हो रहा है, ठीक है। फिर से उधर उल्टा बोल रहा हूँ, देखो हर्ट में सिर्फ सिंपेथेटिक जो है वो क्या कर रहा है,
स्टिमुलेट कर रहा है, या सीधा लिखो तो प्लस कर रहा है, और पैरासिम्पेथेटिक इनहिबिट कर रहा है नेगेटिव। वहीं बाकी जगह कौन कौन सी हो गई, ब्रोंकस, जीआईटी, ठीक है, और ब्लैडर, ठीक है, और ग्लैंड्स, आई, इन सिस्टम्स में आपका पैरासिम्पेथेटिक, ये हो गया आपका पैरासिम्पेथेटिक और ये हो गया आपका सिम्पेथेटिक। यहाँ पर सब जगह पैरासिम्पेथेटिक स्टिमुलेट कर रहा है और सिम्पेथेटिक इनहिबिट कर रहा है, ठीक है, सिम्पेथेटिक इनहिबिट कर रहा है, सिर्फ हर्ट में सिम्पेथेटिक स्टिमुलेट कर रहा है और पैरासिम्पेथेटिक इनहिबिट कर रहा है। और एक लास्ट बचा सेक्स, इसके अंदर दोनों के दोनों स्टिमुलेट हो रहे हैं या फिर दोनों के दोनों सेम काम कर रहे हैं, ठीक है, हिंदी में लिख दो, दोनों सेम काम कर रहे हैं, ठीक है, याद भी रख लो। सिम्पेथेटिक क्या काम है, इजेक्यूलेशन करना, और पैरासिम्पेथेटिक का क्या काम है, इरेक्शन करना, ठीक है। तो पहले इरेक्शन फिर इजेक्यूलेशन, तो पहले पैरासिम्पेथेटिक वर्क करेगा, फिर पैरासिम्पेथेटिक को कौन फॉलो कर लेगा, सिम्पेथेटिक एक्शन फॉलो कर लेगा। बाकी सब जगह उल्टा हो रहा, बाकी अगर सिम्पेथेटिक का वर्क है तो सिम्पेथेटिक करेगा या फिर पैरासिम्पेथेटिक करेगा, दोनों साथ में नहीं होंगे। लेकिन यहाँ पर जायदाद का सवाल है, सेक्स जायदाद मिलेगी, ठीक है, तो यहाँ पर दोनों भाई एक हो जाते हैं, सिम्पेथेटिक और पैरासिम्पेथेटिक, बाकी किसी कामों में ये एक नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका टोटल एक्शंस जो हैं वो अपन ने देख लिए इसके ऊपर। अब अपन क्लियरली बात करेंगे पूरी पैरासिम्पेथेटिक सिस्टम के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर देना। इसके बाद अपन प्रॉपरली बात करते हैं पैरासिम्पेथेटिक सिस्टम की। इसमें से फिर से एक बार फिर समझ लो, ये न्यूरोन है, यहाँ से ये जो प्रीगैंग्लियोनिक्स है, प्रीगैंग्लियोन है, वो कैसे हैं, लॉन्ग है, और पोस्ट गैंग्लियन जो हैं वो शॉर्ट है, ठीक है। और ये जो इनका जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो कौन सा है, एसिटाइल कोलिन, जिससे इसको क्या बोलते हैं, कोलिनर्जिक सिस्टम। और इस कोलिनर्जिक सिस्टम में जो ड्रग यूज्ड होती है उसको क्या बोलते हैं, कोलिनर्जिक ड्रग्स, ठीक है। तो अपन बात करेंगे अब इनकी, किनकी का बात करेंगे, अपन कोलिनर्जिक ड्रग्स की बात करेंगे, ठीक है। तो सिंपली कोलिनर्जिक सिस्टम क्या हो गया आपका, पैरासिम्पेथेटिक सिस्टम, ठीक है। और ये कहाँ से ओरिजिनेट कर रहा है, पैरासिम्पेथेटिक सिस्टम ओरिजिनेट्स फ्रॉम, कहाँ से ओरिजिनेट कर रहा है, क्रेनियोसैक्रल नर्व्स, ठीक है, क्रेनियोसैक्रल नर्व्स से ये ओरिजिनेट कर रहा है। कौन कौन सी क्रेनियल नर्व्स हैं जो कि पैरासिम्पेथेटिक सिस्टम में, तो आपको कितनी नर्व्स याद रखनी, 4 नर्व याद रखनी है, 3, 7, 9 और 10, ये 4 नर्व्स जो हैं वो क्रेनियल नर्व्स, जो 4 क्रेनियल नर्व्स हैं जो कि आपका कौन से सिस्टम की है, पैरासिम्पेथेटिक सिस्टम की हैं। और सैक्रल नर्व्स कौन कौन सी है, देखो एक तो क्रेनियल पार्ट से और दूसरी सैक्रल पार्ट से, तो सैक्रल कौन कौन सी नर्व्स है, सैक्रल में सैक्रल 2 और सैक्रल 3 और सैक्रल 4, 3 नर्व्स सैक्रल रीजन से पैरासिम्पेथेटिक सिस्टम बनाती हैं, ठीक है।